भ्रष्टाचार, निकम्मापन, महंगाई और बेरोजगारी, ये चार चीजें भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष के नैरेटिव का हिस्सा बनने वाली है। और मणिपुर की घटना निकम्मेपन को रेखांकित करती है। नरेंद्र मोदी ने खुद ओम प्रकाश राजभर को फोन किया। आप सोचिए कि किस स्तर पर जाके उन्होंने एनडीए बनाने की पहलकदमी ली है, क्या चल रहा होगा मन में, किस प्रकार की रणनीति होगी, किस प्रकार की कार्यनीति होगी। 180, 200 इस तरह की सीटें रही और उसके नेतृत्व में सरकार बनती है, तब फिर मोदी जी के अंदर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रकट हो जाएंगे और उसी तरीके से काम करेंगे जैसे अटल जी काम किया करते हैं, और अमित शाह के अंदर से आडवाणी जी प्रकट हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने साहब ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या, सांसदों की संख्या 300 से पार होगी, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का अहंकार था, उनको लग रहा था कि सत्ता की ताकत उनके पास इतनी है, लोग उनको भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं, लिहाजा कोई समस्या ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। मगर कर्नाटक के नतीजों ने साहब का तापमान बिगाड़ दिया। कर्नाटक के नतीजों ने बता दिया कि यह इतना आसान नहीं है और अब तो रास्ते में इंडिया खड़ा है, विपक्ष का मजबूत मोर्चा खड़ा है। लिहाजा अब साहब को समझ आ गया कि बीजेपी से काम नहीं चलेगा, एनडीए को बुलाओ। ऐसे ऐसे दल जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, उनको प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके बुलाया कि आइए हम एनडीए को खड़ा करते हैं, हम एनडीए को फिर से बनाते हैं। आ गए, कुनबा जुट गया, संख्या दिखानी थी कि भाई उनके पास 26, हमारे पास 36, उनके पास 28, हमारे पास 38, हमारा 56 इंच का सीना, ये सब डायलॉग बोलने थे। गोदी मीडिया को दिखाना था कि वहां से यहां ज्यादा है। जुट गए और प्रधानमंत्री जी ने वहां पे संवाद नहीं किया एनडीए के, अपने जितने प्रतिनिधि आए थे, जितने पॉलिटिकल लोग आए थे, उनसे संवाद नहीं था, एक तरफा शो था। एज यूजुअल प्रधानमंत्री जी आए, बड़ी सी माला पहनाई गई, भाषण दिया, बाकी लोग उनको स्टूडेंट की तरह सुनते रहे, अलविदा हो गए। अलबत्ता इस दौरे से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक बीजेपी के अंदर विस्फोट जरूर हो गया। देश का सबसे बड़ा राज्य, वहां पर कहा जाता है कि योगी और दिल्ली दरबार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो क्या प्रधानमंत्री जी के लिए आने वाले दिन परेशानी भरे हो सकते हैं? क्या एनडीए की राह में बहुत बड़ा रोड़ा अब इंडिया बनने जा रहा है? मैं आज आपको एक ऐसे प्रोफेसर से, एक ऐसे पत्रकार से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी बात पूरे देश सुनता है, उनका अध्ययन इतना ज्यादा अच्छा है, उनका आंकलन इतना अच्छा ज्यादा है, तमाम देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों पर आप देखते रहते हैं। आज मैं अभय दुबे से देश की राजनीति के बारे में विस्तार से बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, ये इंटरव्यू पूरा देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको, देश की राजनीति का एक एक विश्लेषण, और प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, और क्या मणिपुर की घटनाएं 2024 में एक विस्फोट का रूप लेंगी, भारतीय जनता पार्टी को पसीने पसीने कर देंगी ये तस्वीरें। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। स्वागत है अभय जी आपका। देश में एक अजीब सा माहौल बन रहा है, मणिपुर के वीडियो विचलित कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं, और आप चूंकि इतने बड़े मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं, आपने तमाम किताबें लिखी हैं पत्रकारिता का, ABCD से लेकर जेड तक आप उसके मास्टर रहे हैं, आपने हर काल पत्रकारिता का देखा है, लेकिन मैंने देखा कि मणिपुर में जब वो बीवस वीडियो आया तो पूरी पूरी मीडिया के चैनल्स जो हैं वो मणिपुर टू राजस्थान, मणिपुर टू बंगाल करने में जुट गए। ये आरोप लगता रहा है कि एक वर्ग ऐसा है जिसको हम गोदी मीडिया कहने लगे हैं लोग। क्या कभी आपने सोचा था कि कभी इतनी बीवस घटनाओं पर भी चैनल बोलेंगे नहीं, और जब ऐसे वीडियो आएंगे तो राजस्थान और बंगाल के मुद्दे उठा के मणिपुर को डायल्यूट करने की कोशिश की जाएगी? तो
देखो संजय जी, मेरी निगाह तो इसमें बिल्कुल साफ है। मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और जिन चैनलों को हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, सारे नहीं, गोदी मीडिया कौन कौन से चैनल हैं हम लोग उनको जानते हैं, इन तीनों के बीच में इस मामले में एक नापाक समझौता है। ये तीनों पहले कोशिश ये करते रहे कि मणिपुर की घटनाओं पर पर्दा डाले रहा जाए। अब देखिए 4-5 तारीख की ये घटना है स्त्रियों को नंगा करके घुमाने वाली, उसके बाद में उसके 14-15 दिन बाद यानी 19 तारीख के करीब पुलिस में FIR दर्ज होती है, उसके 2-3 दिन बाद इस FIR को एक थाने में, बड़े थाने में उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस कहती है कि अभी हम दोषियों को, दोषियों की पहचान नहीं कर पाए हैं। और फिर जब ये वीडियो सामने आता है तो फिर बिजली की रफ्तार से दोषियों को पकड़ा जाने लगता है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसी करीब हफ्ते दस इसी अवधि के अंदर, हफ्ते 10 दिन के भीतर भीतर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक खत लिखकर मणिपुर के DGP को और मणिपुर के मुख्य सचिव को इस घटना की जानकारी दे दी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, कोई विपक्ष द्वारा नियुक्त किया गया नहीं है। उसके बावजूद भी इस सवाल पर कुछ नहीं हुआ। और वो एक महिला जो उत्पीड़ित महिला है, जो शायद उनमें सबसे कम उम्र की है, उसने तो सार्वजनिक रूप से ये कहा भी है कि पुलिस उनके साथ थी, पुलिस ने ही हमें भीड़ को सौंपा। तो जब ऐसी स्थिति है, इसका सीधा मतलब यह है कि मणिपुर की राज्य सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस मसले को छुपाए रही। केंद्र सरकार के ऊपर भी शक होता है कि उसने भी जानबूझ के इस मसले को छुपाया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां का दौरा कराए थे और वहां रह आए थे उस बीच में, यानी उनकी मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में बातचीत हो चुकी होगी। और मीडिया ने तो इसके ऊपर कोई कार्यक्रम किया ही नहीं, गोदी मीडिया ने। तो इन तीनों के अंदर सीधा सीधा गठजोड़ है। उसके बाद में अब इसको एक पॉलिटिकल स्पिन दिया जा रहा है कि भाई राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह। तो राजस्थान, देखिए मैं मानता हूं कि देश में महिलाओं का अपमान करने वाली, महिलाओं का सार्वजनिक उत्पीड़न करने वाली या उत्पीड़न करने वाली घटनाएं होती रहती हैं। इसके ऊपर सारे देश को, सारी राजनीतिक पार्टियों को, पूरी व्यवस्था को एकजुट होकर मन बनाना चाहिए कि किस तरह इन घटनाओं को रोका जाए। इनकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और बाकायदा इसके ऊपर एक राष्ट्रीय पहलकदमी की जानी चाहिए। लेकिन राजस्थान में कोई जाति संघर्ष तो हो नहीं रहा, या जाति शब्द से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ कोई जाति संघर्ष तो हो नहीं रहा। जहां दूसरी जगहों पर महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, वो जाति, उसकी पृष्ठभूमि में जाति संघर्ष नहीं है, वो जाति संघर्ष का परिणाम नहीं है। मणिपुर की घटना अलग तरह की घटना है, वो सिर्फ महिला उत्पीड़न की घटना नहीं है। मणिपुर मई से लगातार जल रहा है, मई गुजर चुका है, जून गुजर चुका है, जुलाई गुजरने वाला है, वो लगातार जल रहा है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी हुई है। मैं तो ये मानता हूं कि मणिपुर जो जल रहा है, वो मणिपुर की भाजपा की राज्य सरकार का किया धरा है, और इस चीज को तथ्यों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। अब चूंकि वीडियो सामने आ गया, इन सब लोगों की पोल खुल गई, तब फिर प्रधानमंत्री से लेकर और गोदी मीडिया तक, और मुख्यमंत्री से लेकर गोदी मीडिया तक, सब इस मसले को एक स्पिन देने में लगे हुए हैं कि कहीं उनके दरवाजे पे ठीकरा ना फूट जाए। ठीकरा तो फूट चुका है, वो कितनी भी कोशिश कर लें। आप हिंदुस्तान की जनता को और टीवी देखने वालों को या मीडिया के जो उपभोक्ता हैं, उनको आप इतना बेवकूफ मत मानिए। सही बात है, बिल्कुल। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसी महिला के साथ बदसुलूकी हो जाएगी अगर, तो वो उसको मणिपुर की घटना के समकक्ष मान लेगा। इतना उल्लू मत मानिए, इनको पॉलिटिकल स्पिन देने दीजिए। इनको जो राजनीतिक नुकसान होना था, हो चुका है। देखिए मैं मानता रहा हूं कि जब से मोदी जी भाजपा के सर्वे सर्वा हुए हैं, उत्तर पूर्व में भाजपा ने एक असाधारण रूप से अपना विस्तार किया है, जिसकी कभी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं इसका श्रेय उनको देता रहा हूं। लेकिन अपने उस विस्तार को केवल मणिपुर की मिसहैंडलिंग के कारण इन्होंने जीरो कर दिया है। उत्तर पूर्व में भाजपा को जो लाभ हुआ था, उसकी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है। चुनाव जीतने हारने से प्रतिष्ठा नहीं बनती। लेकिन अभय जी, हमने देखा जब अमित शाह जी गए तो इन गोदी मीडिया चैनलों ने कहा कि अब चाणक जा रहे हैं, मणिपुर कंट्रोल कर लेंगे। और उसके बाद फिर जब स्थिति बदल गई तो मणिपुर का मां भी बोलना बंद कर दिया। लेकिन अभय जी, सबसे ज्यादा भारत के जो महान बुद्धिजीवी हुए 2500 साल पहले, जिनको हम कौटिल्य कहते हैं, जो कि कौटिल गोत्र के थे इसलिए उनको कौटिल्य कहा जाता था, और जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, देखिए उनके साथ जो बदसलूकी हिंदुस्तान में प्रतिदिन की जाती है, उस पर मुझे बड़ा अफसोस है। किसी को भी चाणक्य कह दिया जाता है,
हाँ वो सोचते होंगे, अगर कहीं भी होंगे सोचते होंगे, क्या मेरे नाम की ये, मैंने इसलिए अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ लिखा था, मेरे नाम की ये दुर्गत कर दी गई। ये लोग जो पन्ना प्रमुख और पन्ना कमेटी बनाने वाले लोग हैं, जो कि इतने क्षुद्र हैं, इतने इतने जिसे कहते हैं इतने संकीर्ण हैं विचारों से, हैं उन लोगों को जिनको गुजरात में जो सांप्रदायिक वारदातें हुई थी उसके कारण को तड़ीपार भी वहां से किया चुका है, इन सबको चाणक्य वगैरह क्यों कहा जाता है? और दुख की बात यह है कि हमारे आपके जैसे लोग जो उनको आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं वो भी उनको चाणक्य कह देते हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले भी चाणक्य कहते हैं। तो देखिए आप कौटिल्य को परेशान मत कीजिए। हाँ ठीक, बिल्कुल बात है। लेकिन अभय जी, ये बड़े मुझे बड़ी हैरानी करने वाली बात है लगती है कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों नहीं गए मणिपुर पे, क्यों नहीं बोला उन्होंने? आज ब्रिटेन के संसद में बोला जा रहा है, अमेरिका चिंता कर रहा है, दुनिया के सारे बड़े बड़े अखबार मणिपुर लिख रहे हैं, कई सारे देशों में सवाल खड़े हो रहे हैं कि देश में, भारत के एक राज्य में इतनी क्रूरता क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री का ना जाना, और जब तक चीफ जस्टिस ने इस बात को कमेंट नहीं किया तब तक प्रधानमंत्री का मां शब्द भी ना बोलना, इसके पीछे कौन सी राजनीति हो सकती है? मुझे तो लगता है कि ये थोड़ी इन लोगों से आकलन में, परिस्थिति के आकलन में गलती हो गई। प्रधानमंत्री ये मान 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 चुके हैं कि वो बहुत बड़ी हस्ती हो गए हैं, तो उन्होंने एक अपनी, मुझे लगता ये है कि उन्होंने अपनी हायरार्की बना ली, अपनी प्राथमिकता सूची बना ली है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की प्रकरण होंगे तो मैं उसमें हस्तक्षेप करूंगा वरना नहीं करूंगा, बाकी जो नड्डा साहब को सौंप दूंगा, मोदी अमित शाह साहब को सौंप दूंगा और दूसरे साहब। तो मुझे लगता है उन्होंने सोचा कि मणिपुर का मसला, वैसे मणिपुर किनारे पड़ा हुआ है, वो कौन सा दिल्ली जो पंजाब और हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, कोई भारत के केंद्र में तो है नहीं, कोने में पड़ा हुआ है, कौन उसकी परवाह करता है, और वहां होने वाली घटनाओं को छुपाया जा सकता है और अभी तक छुपाए भी रहे। आप देखिए मीडिया, उनके गोदी मीडिया ने मणिपुर के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं किया। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से उन लोगों से गलती हो गई। अब ये मामला पकड़ गया है बहुत तूल। अच्छा, और एक और बात मैं कहूंगा साथ में कि जो पश्चिमी जो मीडिया और पश्चिमी मंचों से, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, ये जो बातें कही जा रही हैं उसमें जो अंतरराष्ट्रीय ईसाई लॉबी है उसका भी खेल है। देखिए जो कुकी हैं वो सब ईसाई हैं, उनमें बहुत एक छोटा सा हिस्सा मुसलमान का है, नागा सारे के सारे ईसाई हैं, और जितने मैतेई हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। तो उसमें वहां जब भी देखिए भारत में ईसाइयों के साथ में हिंदू राष्ट्रवादियों का टकराव होता है तब अंतर्राष्ट्रीय लॉबी बिल्कुल सक्रिय हो जाती है। आपको याद होगा जब मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो कुछ चर्चों के ऊपर बहुत सारे पथराव हुए थे, आपको याद होगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर पश्चिमी लॉबी की तरफ से इस पर आपत्ति हुई, तब से अब तक चर्चों में पथराव बिल्कुल नहीं होते। और ईसाई लॉबी बहुत ताकतवर है, सारी दुनिया की बागडोर तो उन लोगों के हाथों में है, बागडोर तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पश्चिम के कुछ अमीर देशों के हाथों में है, और वो सब ईसाई देश हैं, चाहे उन्हें आप लोकतंत्र कहें कुछ भी कहते रहें, लेकिन अगर वो लोकतंत्र हैं तो वो ईसाई लोकतंत्र है, अगर वो उदारतावादी देश हैं तो वो ईसाई उदारतावाद है, जो भी हो वो ईसाई देश हैं, और वो ईसाइयों के खिलाफ अगर दुनिया में कहीं कुछ होता है तो वो उसके ऊपर किसी न किसी रूप में आपत्ति करते हैं, या आपत्ति करने के लिए उनकी तैयारी बनी रहती है। तो वो लोग जो कह रहे हैं उसके पीछे ये मंशा मुझे ज्यादा लगती है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या होता रहता है आप देखेंगे, आमतौर पर पश्चिमी देशों में उसके खिलाफ कोई खास आवाज नहीं होती, एक तरह की चुप्पी होती है, कोई जैसे बराक ओबामा ने कुछ कह दिया, कुछ किसी व्यक्ति ने कह दिया तो बात दूसरी है, लेकिन जिस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट इस सवाल में बोल रही है उस तरीके से उस सवाल पर नहीं बोला जाता। तो उसकी भी जो राजनीति है हमारे मेरे ऐसे समझों को उसकी तरफ भी निगाह रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है क्योंकि दुनिया के इतने इम्पोर्टेंट देश रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभय जी, चुनाव में मोटा मोटा 9-10 महीने बचे हैं, और मणिपुर की ये घटना ऐसी नहीं है कि बाकी घटनाओं की तरह भूल दी जाए, क्योंकि अभी संभल नहीं रहा मणिपुर, कब संभलेगा कह नहीं सकते, सरकार बर्खास्त नहीं कर रहे। क्या आपको लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मणिपुर एक बड़ा कारक बनेगा किसी बातों पे आरोप लगा? संजय जी, चार पहलू हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनने का अगर कोई अंदेशा है तो उस एंटी इनकम्बेंसी के चार घटक हो सकते हैं। पहला घटक है महंगाई, दूसरा है बेरोजगारी जो कि राज्यों की तरह केंद्र सरकार के मुकाबले केंद्र सरकार के संदर्भ में भी मौजूद है पूरी तरीके से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, केंद्र सरकार भी इससे इनकार नहीं कर सकती।
तीसरा घटक है निकम्मापन और चौथा घटक है भ्रष्टाचार। देखिए कर्नाटक के चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो या दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं चारों घटकों के कारण हारे। भ्रष्टाचार, निकम्मापन, महंगाई और बेरोजगारी, ये चार चीजें भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष के नैरेटिव का हिस्सा बनने वाली है। और मणिपुर की घटना निकम्मेपन को रेखांकित करती है। भ्रष्टाचार का आरोप उन पर कितना लगेगा, मोदाणी वाले सवाल पे लग रहा था विपक्ष उस पर अब चुप हो गया है आजकल, वो एक ऐसा मसला था जिसमें हो सकता है, लेकिन मणिपुर की घटना, अब राफेल के सवाल पर फ्रांस में कुछ सुगबुगाहट हो रही है, वो सुगबुगाहट कितनी है, विपक्ष के कितने काम आएगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन है कुछ मामला, कहीं 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 से वो फुसफुसाहट वहां से सुनाई पड़ रही है फ्रांस से। और इस तरह के जो हथियारों के सौदे होते हैं उसमें जो सौदा करने वाला देश है वहीं से दरअसल रहस्य उद्घाटन भी शुरू होते हैं, बोफर्स के ही सारे रहस्य उद्घाटन स्वीडन से ही शुरू हुए थे। और जब तक फ्रांस से कोई सुराग नहीं मिलेगा तब तक राफेल के मसले पर भारत में कुछ हो नहीं सकता। मैं कहना ही चाहता हूँ जो 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 संभावित एंटी इनकम्बेंसी है उसके चार घटक हैं, उसमें महंगाई और बेरोजगारी तो स्थापित है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये हैं, इनसे पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता। उसकी कोशिश ये है कि महंगाई और बेरोजगारी के से भ्रष्टाचार और निकम्मापन लिंक ना हो जाए, तो हर हालत में इन दोनों को डिलिंक रखना चाहती है। इसीलिए मोदी जी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि विपक्षी सारे भ्रष्ट हैं, वो पहले ही से कहने लगे हैं विपक्षी सारे भ्रष्ट हैं ताकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगे। तो इस तरीके से राजनीति चल रही है। अच्छा ये अभय जी, जब ये कहते हैं कि विपक्ष के सब लोग भ्रष्टाचार हैं, तो कभी आपने देखा कि पिछले 9 सालों में कभी मोदी जी को इतना ट्रोल किया जा रहा हो, मोदी वॉशिंग मशीन, इस तरह की बातें हो, सोशल मीडिया पे लगातार मोदी जी को ट्रोल किया जाता है, बीजेपी की आईटी सेल, कांग्रेस की आईटी सेल का जवाब नहीं दे पाती, एक वातावरण जो हो रहा है, जो सोशल मीडिया उनको कंधे पे बिठा के यहां तक लाई थी, अब वो सोशल मीडिया मोदी जी के लिए क्या अब एक दुश्मन की तरह नहीं बन रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ दिन भर ज्यादा ट्रोल मोदी हो रहे हैं अब तो। देखिए मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसकी वजह ये है कि 10 एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की जमा हो गई है। पहले 2019 में जो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उसका मुकाबला करने का हथियार उन्हें बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में मिल गया था पुलवामा की घटना के बाद, तो उसमें मिल गया था, तो उससे एंटी इनकम्बेंसी न केवल बंद हुई थी बल्कि पलट गई थी। अब उस तरह का हथियार तो इनके पास है नहीं, और अगर उस तरह का हथियार आएगा भी तो काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है, बार बार लोग इस तरह के मुद्दे पर उन्हें वोट थोड़ा दे देंगे। अब तो 10 साल से लोग भाई देख रहे हैं कि आपने किया क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी बहुत कमजोर हो गए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी अगला चुनाव हार जाएंगे, मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में भी अगर आप आकलन करें तो मोदी और भाजपा ही विपक्ष से आगे नजर आएगी। अभी नीरजा चौधरी News24 पे कह रही थी कि अगर कल चुनाव हो तो फिर भाजपा को बहुमत मिल जाएगा, फिर से सत्ता में भाजपा आएगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले 10 महीने तक यही स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि परिस्थितियां घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। अब विपक्ष का बंगलौर में एक जमावड़ा बन गया जिसने इस तरह का नाम भी रखा, तो उस नाम का संक्षिप्त रूप से वो इंडिया बन निकल के आता है, तो वो दरअसल देखा जाए तो वो मोदी के नैरेटिव के खिलाफ एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की नुमाइंदगी कर रहा है। और अभी विनोद अग्निहोत्री ने एक बड़ा अच्छा नाम दिया, मैं सवेरे सोच रहा था कि नैरेटिव के लिए हिंदी में क्या नाम होना चाहिए, तो उन्होंने एक नाम दिया है माहौल बंदी। अच्छा नाम है, हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए बजाय इसके कि हम लोग अंग्रेजी का नाम इस्तेमाल करें, तो वो माहौल बंदी नाम उन्होंने दिया है कि इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश जैसा मोदी ने बना रखा है देश में, या भाजपा ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बना रखा है, विपक्ष भी उसके मुकाबले एक समांतर माहौल बनाना चाहता है। अभी तक ऐसी कोशिश पहले कभी नहीं है, ये पहली बार हो रही है, उसके लिए बेचैनियां होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो अभय जी, मोदी जी ने पहले कहा था कि बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी, 9 साल बाद उनको एनडीए की याद आया कि एनडीए को बुलाओ और वो भी सबको इकट्ठा करो, तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी को भी डर लगना शुरू हुआ है कि अब मामला फंस रहा है, अब अकेली बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। आप जो बात कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, मोदी जी ने संसद में कहा था कि एक अकेला और बाकी सब, उसके बाद में अब वो ऐसे ऐसे दलों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ में शामिल कर रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका किसी एक लोकसभा सीट पर भी प्रभाव नहीं है, जिसका ऐसे दलों को कर रहे हैं। आपको याद होगा जो चिराग पासवान है
जब उनके पिताजी के देहांत के बाद में और जब उनकी पार्टी में फूट पड़ गई, जब पशुपति पारस अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस का साथ दिया और चिराग पासवान को धता बना दी बता दी, और फिर नौबत ये आ गई कि जिस बगले में रामविलास जी रहते थे वो बगला भी उनसे छीने जाने की नौबत आ गई, तब चिराग पासवान ने हम पत्रकारों को उस बंगले में बुलाया, मैं भी उसमें गया था, हम सब लोगों को उनकी माँ ने बड़ा अच्छा खाना बना के खिलाया और हम लोगों से यही राय पूछ रहे थे कि उनका अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तब उनके आगे के रास्ते में एनडीए में दोबारा जाना नहीं था, दूर दूर तक वो तो सीधी बात कह रहे थे कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। आज ऐसे चिराग पासवान को मोदी जी ने इतने जबरदस्त तरीके से गले लगाया कि वो खुद भी हैरत में पड़ गए होंगे। हाँ, चिराग ने पैर भी छुए और फिर गले लगाया उन्होंने। वो ये ऐसी ये स्थिति बन गई है। इसमें असल में है क्या कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए विपक्ष एकजुट हो रहा है, पहली बार हो रहा है उनके खिलाफ एकजुट, और चुनाव से पहले का मोर्चा कांग्रेस भी पहली बार बना रही है, यूपीए भी चुनाव बाद का मोर्चा था। हाँ, यूपीए चुनाव से पहले का मोर्चा नहीं था, चुनाव से पहले मोर्चा बनाने की ये पहली कोशिश हो रही है पिछले 10 साल में, कांग्रेस भी पहली बार इस तरह की कोशिश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अकेली दम पर चुनाव लड़ा और 272 से कम सीटें रह गई, तो वो किसी किस्म का जोखिम नहीं उठाना चाहती। हर तरह की छोटी और मामूली से मामूली पार्टी को अपने साथ जोड़ना चाहती है ताकि एक पूरा नजारा बने, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े दल एनडीए में हुआ करते थे, शिवसेना, अकाली दल, या मान लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी, तो वो ये सारे के सारे दल जो है जेडीयू, ये सारे के सारे दल एनडीए में नहीं रह गए। अब एनडीए छोटे छोटे मामूली किस्म के दलों का एक जमावड़ा बन के रह गई है, जिसमें मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा उनके मुकाबले बहुत बड़ी पार्टी है, और जब उनकी एक तथाकथित ये बैठक हुई तो उसमें एक ही व्यक्ति ने भाषण दिया, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। हाँ, बाकी सब लोग श्रोता थे, नरेंद्र मोदी की पब्लिक मीटिंग थी, वो एनडीए की मीटिंग नहीं थी, इसमें ये लोग बैठे सुनते रहे, मोदी जी ने भाषण दिया और चले गए। तो ऐसा एनडीए है वो, इसलिए उसकी मेरे ख्याल से वो केवल एक तरह की मोर्चे के नाम पे एक फोटो अपॉर्चुनिटी भर है और ज्यादा उसके अंदर कोई दम नहीं है। इसके मुकाबले अगर आप इंडिया की तरफ निगाह दे पाए तो आप उसमें देखेंगे अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो शक्तिशाली पार्टियां हैं वो सब इस मोर्चे की अंग हैं, और भारत राष्ट्र समिति चूंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं तेलंगाना में, इसलिए वो यहाँ नहीं है। उन्होंने खड़गे साहब को बधाई दी है उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा मोर्चा बनाया, और मेरा तो मानना है यदि तेलंगाना में चुनाव पूरा खत्म हुआ नतीजा जो भी हो वो लोग भी इस मंच पे आ जाएंगे। हाँ, बात दूसरे मुकाबला कांग्रेस के और दूसरे दलों में वो लोग देख रहे हैं परिस्थिति किस प्रकार की है। बहुजन समाज पार्टी ने ये कह दिया है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस तब कहने की बात है, तीन राज्यों के नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में गए तो बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ इसके अंदर आ सकती है, और बहुजन समाज पार्टी अगर आ गई तो उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली गठजोड़ बनने की संभावना बनेगी। और ये गठजोड़ 2019 जैसा नहीं होगा, 2019 में केवल सपा बसपा का गठजोड़ था, कोई राष्ट्रीय नजारा नहीं था, कोई नेशनल लेवल पे जीत का रसायन तैयार नहीं किया गया था विपक्षी एकता का, इस बार तो वो भी होगा उसके साथ में, तो उसका असर अलग तरह का पड़ेगा। अभय जी, अगर 272 सीटें बीजेपी की नहीं आ पाई, 260 हो गई, 65 हो गई, तो जो मोदी जी का ये जो डराने वाला स्टाइल है, जो तानाशाह वाला स्टाइल है, अगर एनडीए की सरकार बनेगी, पूरी बहुमत नहीं होगा, तो क्या ये इतना ही तानाशाह वाला रवैया रहेगा? भाजपा को कितनी सीटें मिलती हैं इस पर निर्भर करता है। अगर 272 की बजाय 250 सीटें मिली, 260 सीटें मिली, तब तो भारतीय जनता पार्टी की ही की मजबूती वाली सरकार बनेगी और मोदी जी का रुतबा ऐसा ही रहेगा। अगर लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन उसके पास 200 के आसपास, 180, 200 इस तरह की सीटें रहीं और उसके नेतृत्व में सरकार बनती है, तब फिर मोदी जी के अंदर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रकट हो जाएंगे और वो उसी तरीके से काम करेंगे जैसे अटल जी काम किया करते हैं, और अमित शाह के अंदर से अडवाणी जी प्रकट हो जाएंगे। ये आपकी लाइन बहुत अच्छी है कि मोदी जी के अंदर से अटल जी और शाह साहब के अंदर से आडवाणी। अभय जी, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। एक और बहुत बड़ी बात हुई है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ ने 6 साल में अपनी ब्रांडिंग बनाई है कि वो माफियाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये उनकी ब्रांडिंग का सबसे बड़ा हथियार है और उनके बुलडोजर के निशाने में खास तौर से 3 लोग रहते थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान। अतीक अहमद दुनिया में रहे नहीं, अब मुख्तार अंसारी और आजम खान बचे। मुख्तार अंसारी के बेटे को जिस पार्टी ने विधायक बनाया, राजभर जी की पार्टी को, वो अब एनडीए का हिस्सा बन गई।
और योगी आदित्यनाथ संजय जी बताइए, ये भी बताइए साथ में अपने श्रोताओं को कि वो एनडीए के हिस्सा कैसे बने। वो योगी आदित्यनाथ आना चाहते थे एनडीए, मैं बताता हूँ, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में आना चाहते थे, इंतजार कर रहे थे बैठे हुए, ना उनके पास कोई फोन आ रहा था ना खबर पड़ रही थी। तब उनके पास एक फोन आया, किसका फोन आया अंदाजा लगाइए आप, बताइए आप बताइए किसका फोन आया होगा, नरेंद्र मोदी खुद का। नरेंद्र मोदी ने खुद ओम प्रकाश राजभर को फोन किया। आप सोचिए कि किस स्तर पर जाके उन्होंने एनडीए बनाने की पहलकदमी ली है, क्या चल रहा होगा मन में, किस प्रकार की रणनीति होगी, किस प्रकार की कार्यनीति होगी, क्या सोच रहे होंगे, इससे आप अंदाजा लगाइए। ओम प्रकाश राजभर को कोई उत्तर प्रदेश स्तर के किसी नेता ने नहीं कहा था आप जाइए उसमें एनडीए की मीटिंग में, बल्कि खुद नरेंद्र मोदी ने फोन करके कहा कि आप आइए। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा था अभय जी, अब मोटा मोटा देखें तो मुख्तार अंसारी का बेटा एनडीए का हिस्सा है, टेक्निकली तरीके से हिस्सा है, यानी योगी आदित्यनाथ जिस मंच पर होंगे उस पर मुख्तार अंसारी का बेटा भी बैठा होगा अगर ऐसी कोई मीटिंग होती है। देखिए ये सवाल जो है वो ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया था, मैं सुन रहा था उस वक्त जब उनसे सवाल पूछा गया था, तो राजभर ने इसका एक जवाब दिया, उसको भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। राजभर ने कहा है कि जिस वक्त इनको टिकट मिला था उनकी पार्टी का, मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट मिला था, उसी वक्त उन्होंने साफ कर दिया था कि समाजवादी पार्टी के बहुत से लोग हमारे टिकट पर लड़ रहे, तो ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कहने पर हमारी पार्टी ने इन्हें टिकट दे दिया था। ये राजभर की सफाई थी। अब सफाई को हम किस रूप में लें हमारे ऊपर निर्भर करता है। तकनीकी रूप से आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो भी मेरा सवाल ये है अभय जी, योगी देने के लिए दलील है, योगी जी ने उसका वेलकम नहीं किया क्योंकि योगी जी के समर्थक है उनको कांटे खून नहीं है, क्योंकि योगी जी की जो सारी ब्रांडिंग मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ वो कैसे बैठ सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तेजी से बढ़ रहे थे एक बहुत बड़ा डेंट योगी आदित्यनाथ की छवि को भी पहुंचेगा? नहीं, देखिए ये लोग बड़ी कुशलता के साथ में उससे किनारा कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा उनके ऊपर असर पड़ेगा। ये एक तो पहली बात, वो केवल एक विधायक हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े नेता हैं और उनके साथ जुड़ा रहना इनके लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत तेजी और फुर्ती के साथ में उससे वो किनारा कर लेंगे। और वो तो वो आप जो बात कह रहे हैं इस प्रकार की उलझन पैदा हो सकती है, लेकिन उस उलझन से निपटने की भी नेताओं के पास युक्तियां होती हैं। मुझे तो जानकारी जो मिली है, जाहिर है इस तरह की जानकारियों की बहुत कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जो जानकारी मिली वो ये भी मिली है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बैठक हुई थी और जिसमें उनकी तरफ से इस प्रकार के इशारे मिले थे कि अब आप आ जाइए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ में। उसी के बाद से वो लगातार इंतजार कर रहे थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी का फोन उनके पास गया तो उसके बाद तो तेजी से चल के गए होंगे वहां पर। दरअसल ये बातें राजभर जी के कैंप से आई हैं, लेकिन राजभर जी ने जो योगी आदित्यनाथ के बारे में बयान दिए थे, मुझसे खुद उन्होंने इंटरव्यू में इतने अभद्र और खराब शब्द योगी आदित्यनाथ के, ठीक है वो बयान मैंने उनके सुने हैं, और योगी जी की अभय जी जो योगी जी की जो छवि है इमेज है वो भूलते नहीं है, गुस्सेल वाले बहुत है वो, तो यहाँ पे चूंकि इस तरह का ना उन्होंने वेलकम किया ना ट्वीट किया, तो ये बात भी है कि योगी जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि नेता जो होता है वो ऊपर से हमेशा ही बड़ी मजबूत धाकड़ और इस तरह की छवि रखता है, जिसको आप रूपक के तौर पर कहें तो 56 इंच के सीने वाली छवि रखता है या बुलडोजर वाली छवि रखता है। मोदी जी की छवि 56 इंच की है, इनकी छवि बुलडोजर की है, लेकिन अंदर से नेता बड़ा लचीला होता है, और वो किस बात पे लचीला बन जाए और कब वो अपने खिलाफ कही हुई बातों को भूल जाए, कब खुद द्वारा दूसरों के खिलाफ कही गई बातों को भूल जाए, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते पहले से। ये बात तो हम लोग सोचते रहते हैं कि इनका बिहेवियर पैटर्न वैसा होगा, लेकिन वो एन मौके बदल जाते। अबे जी बस लास्ट में हम लोग महाराष्ट्र पे और बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का जो परिदृश्य चल रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजनीति दिन पर दिन बदल रही है। क्या लगता है आपको, शरद पवार भी 2-3 महीने पहले देखेंगे कि इधर जाया जाए उधर जाया जाए, अजीत पवार भी 2-3 महीने पहले? रहस्यमय मामला है भाई। देखिए आपने कभी सुना है कि जो पार्टी तोड़ के गए हो दूसरी सरकार में उन्होंने शपथ ले दी हो, बार बार मिल रहे हो आके? यहाँ तो कभी
अजित पवार मिल रहे हैं, कभी प्रफुल्ल पटेल मिल रहे हैं, कभी छगन भुजबल मिलने आ रहे हैं, दो दो घंटे की बातचीत हो रही है, उस बातचीत में क्या हो रहा है उसके कुछ निकल के नहीं आ रहा उसके अंदर। तो ये पूरा मामला काफी रहस्यमय लग रहा है, कुछ भी घटित हो सकता है। पवार साहब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये लोग उस गठजोड़ से निकल आए बाहर, फिर से एनसीपी में चले जाए, भाजपा के हाथों के तोते उड़ जाए। और ये भी हो सकता है कि पवार साहब उस गठजोड़ में चले जाए और विपक्ष के हाथों के तोते उड़ जाए, कुछ नहीं पता है क्या हो सकता है। तो महाराष्ट्र की स्थिति जो है बड़ी संदिग्ध किस्म की स्थिति है, इसके बारे में घटनाक्रम पे हम लोगों को नजदीकी नजर रखनी होगी, क्योंकि इस तरह की जो मेल मुलाकात हुई है उसने कम से कम मुझे जरूर संदिग्ध कर दिया है इस मसले पे। मुझे विश्वास नहीं रहा कि वहां पे जो दिखाई पड़ रहा है वही है या मामला कुछ और है। अभय जी आखिरी सवाल, चूंकि आपका हर जगह नेटवर्क बहुत अच्छा है, आप इतनी इतनी बड़ी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि एनडीए और इंडिया मतलब ये गठबंधन बनाम वो गठबंधन, क्या आपको किसी की भी सरकार बनती हुई आप कॉन्फिडेंस के संग कह सकते हैं कि हाँ इनकी बन जाएगी, या अभी तस्वीर और चेंज होगी? देखिए अभी आज की तारीख में तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी आगे है, क्योंकि विपक्ष का नैरेटिव अभी बनना शुरू हुआ है, उसको नैरेटिव बने हुए महीना भर हुआ है। देखिए 23 शायद 23 आज 23 तारीख है ना, तो एक महीना पहले 23 जून को वो पटना में हुई थी बैठक, तो वो नैरेटिव इनका बनना शुरू हुआ है। और ये कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक इनका माहौल होता है, इनके मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी आगे बढ़ती है, ये सब देखना होगा। ये इतना आसान नहीं है, भाजपा काफ़ी जम गई है पार्टी के तौर पर, नरेंद्र मोदी की नेतागिरी भी बहुत जमी हुई है, और इन लोगों ने जो देश में खासतौर से अपने प्रभाव क्षेत्र में जो माहौल बना रखा है वो माहौल का इतनी आसानी से उखड़ना संभव नहीं है। दूसरे हमें याद रखना चाहिए कि अपने प्रभाव क्षेत्र में एक वोट एक हिंदू का वोट भाजपा को मिलता है तो एक हिंदू वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है। फर्क यह है कि भाजपा को पूरा वोट मिल जाता है, इनके खिलाफ जो वोट है वो बट जाता है। इस वोट को कितना बटने से रोका जाएगा, किस हद तक रोका जाएगा, 75% रोक पाएंगे, 85% रोक पाएंगे या 100% रोक देंगे, इसके ऊपर निर्भर होगा कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में भाजपा को किस प्रकार की चुनौती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में देखिए भाजपा को बहुत सी सीटों पर 50% से भी ज्यादा वोट प्राप्त, तो एक जो पार्टी इतना ज्यादा वोट लगातार चुनाव दर चुनाव प्राप्त कर रही हो वहां उसको उखाड़ा जाएगा, तो उसके लिए बड़ी असाधारण किस्म की राजनीतिक परिस्थिति चाहिए, तभी वो उखड़ पाएगी। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अभय जी, हम लोगों को आपने इतनी सारी बातें बताई राजनीति की, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, आपने सुना कितना साफ साफ सीधा सीधा बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि तस्वीर अब विपक्ष का मोर्चा तेजी से पकड़ने वाला है, हालात क्या होंगे हमारी निगाह बनी रहेगी। कुछ राज्यों के फीडबैक के बाद हम फिर से अवैध भेजी से बात करेंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा, शुक्रिया, थैंक यू।